धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का यह अवसर दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की और कल तो इस सदन में एक बहुत ही प्यारे शब्द का इस्तेमाल हुआ अमृतकाल और इससे याद आया अध्यक्ष महोदय बचपन में हम एक खेल खेला करते थे जिसे हम कहते थे विषामृत तो जिसे विष मिलता था वो बच्चा बैठ जाता था और बाकी लोगों पर जिम्मेदारी होती थी उसे अमृत दे उठाने की मानो ऐसे लगता है कि इस काल में देश की युवा पीढ़ी को विकास की राह छोड़कर सांप्रदायिकता बेरोजगारी और हेट स्पीचेस का विष देकर बिठाया गया है और उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया का अमृत देकर उठाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है बल्कि हर राजनीतिक पार्टी हर लोक प्रतिनिधि और हर देशवासी की भी है और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अमृत तभी निकलता है जब समुद्र मंथन होता है और अमृत निकलने से पहले आलोचना का हलाहल भी निकलता है और इसीलिए इस अमृतकाल में प्रवेश करते हुए हम इस मंथन को और इस हलाहल दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन कोविड योद्धाओं की तारीफ की जिनका गर्व से उल्लेख किया उन सभी के प्रति मैं फिर एक बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और किशोरों का टीकाकरण या प्रिकॉशनरी डोज जैसे मेजर्स जो सरकार ने उठाए हैं उसके लिए सरकार का अभिनंदन भी करता हूँ लेकिन उसी के साथ पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में हमें ठोस कदम उड़ा उठाने होंगे और कोविड की महामारी ने हमारी आंखें खोलने के बाद अब आगे जाके हमें आरोग्य को देशवासियों का मूलभूत अधिकार के रूप में देखना होगा तभी यह अमृतकाल देशवासियों के लिए अमृतमय साबित होगा साथ ही में राष्ट्रपति जी ने जिस कोरोना काल का उल्लेख किया उस कोरोना काल से लेके उसके जो अप्रत्यक्ष परिणाम है उनमें दो परिणामों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा एक है इकोनॉमिक इफेक्ट और दूसरा है एजुकेशनल इफेक्ट जो इकोनॉमिक इफेक्ट है भले ही पेपर पे अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आती हो लेकिन वास्तविकता में आम देशवासी की क्या परिस्थिति है लगभग साढ़े छह करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिए जा चुके हैं चौवन प्रतिशत लोगों की आय कम हो चुकी है और तकरीबन साठ लाख से अधिक छोटे उद्योगों पर ताला लग चुका है इस तबके के बारे में हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा नहीं तो देश के मध्यम वर्ग को ऐसा लगेगा कि सिर्फ 142 लोगों की जो आय है वो 23 लाख करोड़ से छप्पन लाख करोड़ होती है या फिर गरीबों के लिए योजना आती है लेकिन देश के मध्यम वर्गीय के बारे में सोचा नहीं जाता है इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा इसी के साथ दूसरा अप्रत्यक्ष परिणाम है एजुकेशनल इफेक्ट अध्यक्ष महोदय देश का जो भविष्य है उन बच्चों की जिंदगी से कोरोना काल के चलते हुए मानो शिक्षा और व्यक्तिमत्व विकास के दो साल जैसे चले ही गए हैं गायब हो गए हैं इस देश के भविष्य की जो क्षति हुई है इस क्षति को भरने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे बात हो रही है कि हर बात डिजिटल होगी हर बात डिजिटल होगी लेकिन देश में जो डिजिटल डिवाइड है और इस डिजिटल डिवाइड के चलते हुए जो बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह रहे उनके बारे में भी हमें सोचना होगा अभिभाषण में स्किल इंडिया मिशन की भी बात हुई अध्यक्ष महोदय लेकिन किसी भी मिशन का सक्सेस तभी जाना जाता है जब उसके अंतिम उद्दिष्ट की पूर्ति हो और इसका अंतिम उद्दिष्ट है रोजगार इस सरकार ने देश के युवाओं से वादा किया था कि हर साल दो करोड़ रोजगार मिलेंगे लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए तो आज भी देश में पांच करोड़ युवा बेरोजगार है और इसी के लिए स्टार्टअप्स या मेक इन इंडिया के साथ मनरेगा की स्ट्रेंथनिंग और अर्बन वर्जन ऑफ मनरेगा जैसे विकल्पों पर विचार होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के युवाओं में एक प्रचंड ऊर्जा है और अगर इस ऊर्जा को हम सही दिशा में संचालित करना चाहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जॉब क्रिएशन करे और युवाओं को जॉब सिक्योरिटी भी दे अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में और एक बात कही जिसे हम सब पर हम सबको गर्व है वो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता 2014 में सत्ता ग्रहण करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आई कोट डेमोक्रेसी विल नॉट सस्टेन इफ वी कांट गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और वास्तविकता यह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश 180 देशों में एक सौ बयालीसवे वन फोर्टी सेकेंड आउट ऑफ वन एटी एक सौ बयालीसवे पायदान पर खिसक गया है मात्र मात्र 2020 में सड़सठ पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई है और 200 पत्रकारों पे हमले हुए हैं जिन पत्रकारियों की नौकरियां चली गई है उनकी गिनती तो अलग ही है और अगर आज देश के मीडिया का सुर देखा जाए तो अध्यक्ष महोदय देश के आम आदमी के जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को क्या निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता करने की आजादी है या नहीं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की माननीय मंत्री महोदय सदन में है इसलिए मैं ये अवसर लेना चाहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है और महाराष्ट्र से एम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे और जिसमें राज्य की भागीदारी सिर्फ 20 टका केंद्र की भागीदारी सिर्फ 20 परसेंट और 60 परसेंट थ्रू इक्विटी ऐसा है बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और उसने अपना पहला 100 करोड़ का किश्त जमीन अधिग्रहण के लिए दे भी दिया है उसके बावजूद केंद्र सरकार से इसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र के जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं पूना नासिक और मुंबई इसे जोड़ने वाला ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है इसलिए मेरा अनुरोध है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ऐसे महत्वाकांक्षी प्रकल्पों को नजरअंदाज नहीं किया जाए अध्यक्ष महोदय अभिभाषण में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई और वो है सर्वसमावेशी और सशक्त भारत के निर्माण की जब हम आर्थिक सुरक्षा विषय और शारीरिक सक्षमता की और सशक्तता की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि क्या देश मानसिक सशक्तता की ओर बढ़ रहा है या नहीं और अगर हम अपने दिल पर हाथ लरक के इस सवाल का जवाब दे तो इसका जवाब ना आएगा क्योंकि आए दिन देश के युवाओं के देशवासियों के दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है अध्यक्ष महोदय मुझे मेरे धर्म पर अभिमान है और हर किसी को होना लाजमी है लेकिन जब धार्मिक अभिमान का रूपांतर धार्मिक उन्माद में होता है तो वो धार्मिक उन्माद मानवता और देश की अखंडता के लिए निश्चित ही हानिकारक है जब आईआईएम, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक और विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर देश की सामाजिक स्थिति पर एक चिंता जताते वो महज इत्तेफाक नहीं है अध्यक्ष महोदय जब विदिशा में धार्मिक कारणों पे एक स्कूल पे हमला होता है तो यह सोचने पे हम मजबूर हो जाता है कि देश किस मानसिकता से गुजर रहा है आज देश के युवाओं के हाथ में पत्थर है अध्यक्ष महोदय लेकिन युवाओं को बताने की जरूरत है कि इस पत्थर का उपयोग रचनात्मक निर्माण के लिए किया जाना चाहिए ना कि किसी के किसी पर फेंकने के लिए क्योंकि किसी पर अगर पत्थर फेंका जाए तो न सिर्फ शरीर लहूलुहान होता है बल्कि देश की अखंडता भी लहूलुहान होती है दुर्भाग्य दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि आज देश की युवा से पूछा जाता है मंदिर जाओगे या मस्जिद कल पूछा जाएगा मंदिर या चर्च परसों मंदिर या गुरुद्वारा लेकिन एक दिन देश का युवा जवाब देगा अजी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब छोड़िए पहले रोटी की बात कीजिए पहले रोजगार की बात कीजिए पहले देश के विकास की बात कीजिए क्योंकि अध्यक्ष महोदय मैंने किस जाति में किस पंथ में किस प्रांत में किस धर्म में जन्म लिया इसका न्यूनगंड या भाव पालने से अच्छा होगा कि मैं मेरे कर्तृत्व से मेरे व्यक्तित्व को ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाऊं कि मुझ पर मेरी जाति को मुझ पर मेरे पंथ को प्रांत को धर्म को और अंतिमता मेरे राष्ट्र को भी गर्व महसूस हो और जब ऐसा होगा जब ऐसा होगा तभी अमृतकाल का अमृत हर देशवासी के जीवन तक पहुंचेगा और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है जब मीडिया सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल पूछता है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर अंधभक्तों द्वारा दिया जाता है फिर भी दिल में उम्मीद है फिर भी दिल में उम्मीद है वैसा दिन आएगा फिर भी दिल में उम्मीद है वो दिन भी आएगा जब देश का युवा जाग जाएगा और सांप्रदायिकता का ये ग्रहण छूट कर सर्वसमावेशकता का सूरज निकलेगा तभी आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा धन्यवाद